अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हेलो चिल्ड्रेन, टुडे वी विल कंटिन्यू मैथ चैप्टर 5 फैक्टर्स। एक्सरसाइज 5C एक्शन एक्सरसाइज है, वो अभी हमने स्किप की है। इंशाल्लाह आप जब स्कूल आओगे तब हम लोग कर देंगे। 2A, 2A में हमें क्या करना है? तो यहाँ पे ट्री फैक्टर दिया है। सो 27 का ट्री फैक्टर क्या होगा? 9 3s are 27, सो 9 को हम ब्रोक करके करेंगे 3 multiplied by 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3, सो 3 3s are 9, 9 3s are 27। नाउ बी, 20 इज गिवन एज अ ट्री फैक्टर, सो वॉट वी विल डू, 4 5s are 20। अब वी कैन नॉट ब्रोक 5, सो वॉट वी विल ब्रोक, 4, 2 2s are 4, सो 2 multiplied by 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, सो वी गेट 20, 2 2s are 4, 4 multiplied by 5 20। नाउ क्वेश्चन 3, मेक अ फैक्टर ट्री फॉर ईच ऑफ दिस, डू नॉट यूज़ 1 एज अ फैक्टर। यहाँ पे हमें फैक्टर ट्री दिया गया है, 8 का बनाना है, पर हमें 1 एज अ फैक्टर यूज करना नहीं है। सो 8 को ब्रोक करेंगे और क्या लिखेंगे, 4 2s are 8। अभी हमें क्या करना है, 4 2s are 8 हुआ, 2 को हम ब्रोक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 1 यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 को ब्रोक करेंगे और लिखेंगे 2 2s are 4, सो 2 multiplied by 2 multiplied by 2, सो 2 2s are 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8। बी, 15 multiplied by, हमें फैक्टर दिया है तो अब 15 कौन से टेबल में आएगा, 5 के टेबल में। सो अब हम 5 को भी ब्रोक नहीं कर सकते और 3 को भी ब्रोक नहीं कर सकते, तो हमने डायरेक्ट लिखा है 5 multiplied by 3। अगर हम ये वाला स्टेप, नीचे वाला स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, पर अगर हमें ट्री बनाना ही है और ब्रांचेस बढ़ानी है तो 5 multiplied by 3 हम लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रेन, नाउ क्वेश्चन 4, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर्स एंड राइट द कॉमन फैक्टर्स। अभी हमें यहाँ पे दिया है 6 और 8, तो हमें 6 का फैक्टर पहले फाइंड करना है। तो 6 के फैक्टर में क्या आएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, सो 2 3 1s are 1, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो फैक्टर किसका आया, 6 का, क्या आया, 3 और 2। नाउ हमें फैक्टर ढूंढना है 8 का, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 और 4 2s are 8। तो हमें 8 का फैक्टर क्या मिला, 4 और 2। अब हमें लेना है कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन यानी दोनों में एक जैसे कौन से डिजिट है, तो कि 2, तो हमने लिखा वहाँ पे नीचे 2। नाउ हमें कॉमन फैक्टर, ये जो कलर किया है ऑरेंज कलर, उसमें हमें कॉमन फैक्टर 3 का लिखना है। तो हमें 3 का कॉमन फैक्टर क्या मिला, 1 3 2 या 1 2 3, और हमें 8 का फैक्टर क्या मिला, 1 4 2 या 1 2 4। सो आपको बी और सी अपने आप करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 5, फाइंड द फैक्टर ऑफ 5 एंड 4, यानी ए में दिया है हमें 4 और 5 के फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो अब हम करेंगे 1 multiplied by 4 या 4 multiplied by 1 इक्वल टू 4, 2 2s are 4, ये हो गया हमें, क्योंकि अब हम आगे नहीं जा सकते 3 के टेबल में, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर मिल गया 2 2s are 4 और 4 multiplied by 1 इक्वल टू 4। सो अब हम लेंगे 5 का फैक्टर, तो 5 1s are 5, तो दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर है, 1, क्योंकि 4 1s are 4, 5 1s are 5, सो 1 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 5। नाउ बी, 4 6, 4 1s are 4, 2 2s are 4, तो 4 का फैक्टर हमें क्या मिला, 1 एंड 2। अब 6 1s are 6, 2 3s are 6, तो हमें 6 का फैक्टर भी क्या मिला, 1 एंड 2, सो द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6 इज 1 एंड 2। नाउ क्वेश्चन 6, ए, 25 गर्ल्स एंड 20 बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन द मार्च पास्ट फॉर स्पोर्ट्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ इक्वल रॉज कैन दे मेक सो दैट ईच रॉ स्टिल हैज़ ओनली गर्ल्स एंड ओनली बॉयज़।
तो अभी गर्ल्स कितनी हैं? 25. तो हम 25 कौन से टेबल में ढूंढने जाएंगे? हमें 1 तो ऐसा फैक्टर लेना नहीं है इसमें भी, तो हम क्या करेंगे? 25 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 5. और बॉयज़ कितने हैं? 20 बॉयज़. तो हम क्या करेंगे? 20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5. सो इन वन रॉ 5 स्टूडेंट्स. समझ में आया? बी जो सम है वो आपको अपने आप से करने हैं. थैंक यू चिल्ड्रेन. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.